नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। सर आवाज नहीं आ रही। तो गलत ना लिया ना। अरे यहाँ पे चार वाली नहीं है यार, क्लास शुरू होने जा रही है, नाम का ड्रामा है। हेलो 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 सर, की आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, हेलो नमस्ते सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर नमस्कार। हेलो सर, आपकी वॉइस नॉन क्लियर नहीं है। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, आप आई सर, आवाज आ गई। सर नमस्ते। हाँ हाँ चलिए, अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। हमें लग रहा था कि आवाज किसी एक आध दो लोगों की प्रॉब्लम है, वो माइक ऑफ था स्टार्ट में, अभी तक आने नहीं हुआ। तो SHM में डिफिनेशन हो गया था, क्यों डिफिनेशन हुआ होगा, और इसमें बताए होंगे कि आवर्त गति और सरल आवर्त गति में क्या अंतर है, ये बताया गया होगा। आवर्त गति और सरल आवर्त गति, तो ये है आपका पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन, और इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लिया गया होगा। आवर्त गति भी कहा गया था, एक ही कंडीशन देखिए, एक लिखा था आपने कि समान समय में समान दूरी या समान विस्थापन। आवर्त गति में एक ही कंडीशन था कि समान समय में समान दूरी, समान दूरी। इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये मुख्य पॉइंट था कि गतिमान कण समान समय में समान दूरी तय करता है। दूसरा क्या था कि अपने ही पथ को बार बार दोहराता है। दूसरा क्या था इसमें कि अपने पथ को बार बार दोहराता है, रिपीटेड सेम पाथ इन रेगुलर टाइम इंटरवल।
अपने पद को एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है। एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है। तो सेम पाथ रिपीटेड इन रेगुलर टाइम इंटरवल। इसमें क्या था, अपने पथ को एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है या रिपीट करता है। और इसमें क्या था, तो इसमें दिया गया था मुख्य पॉइंट था साम्य स्थिति। साम्य स्थिति के इधर उधर, ये जरूरी है, इधर उधर, इसका मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। यहां पर है फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन। लाइक एज टू एंड फ्रो। तो SSM के लिए जरूरी है कि कर्ण मध्य स्थिति के दोनों तरफ हो, जैसे मीन है इसके राइट भी हो वापस आए और लेफ्ट भी हो और फिर वापस आए। ये तो इसको सरल आवृत्ति कहते हैं। और इसमें क्या है कि पथ को रिपीट करना है। तो देखिए जैसे ये चलते रहिए, रिपीट करते रहिए, ऐसे सेम पाथ को रिपीट करिए, जैसे सर्कुलर मोशन या अर्थ का अपने अक्ष के पथ का घूर्णन गति करना या सूर्य का परिक्रमण करना, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण करना। जैसे ये सन है और ये अर्थ है, ये सन और ये अर्थ, तो अर्थ का पृथ्वी का परिक्रमण करना, ऐसे घूमना। अब दूसरी कंडीशन, पहला ये हो गया कि साम्य स्थिति के इधर उधर या मेन पोजीशन लाइक एज टू एंड फ्रो। दूसरा जो त्वरण होगा, यहां पर जो त्वरण लिया जाएगा एक्सलेशन, त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के अनुपानुपाती होगा। ऋणात्मक मान के अनुपाती, तो जो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेन कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा दो पार्ट, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका पाथ टू एंड फ्रो होना चाहिए और जो उसका एक्सलेशन है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। या जब सॉल्व कराएंगे तो ये मान आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई आएगा, या यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई या थीटा आएगा। कोण के पदों में होगा तो थीटा आ जाएगा, विस्थापन लिनियर होगा तो वाई या एक्स भी आ सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है। एक्स पर होगा तो एक्स आएगा, वाई पर होगा वाई आएगा, एंगल पर होगा थीटा आएगा, कोई भी मान आ सकता है। जेड पर होगा जेड आएगा, जैसे कहीं पर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है सरल लोलक का उदाहरण है, सरल लोलक या सैंपल पेंडुलम, सैंपल पेंडुलम सरल लोलक का उदाहरण है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, सैंपल पेंडुलम या सरल लोलक का उदाहरण है। सर हाँ हेलो, एक बार सर एक क्वेश्चन आया था शायद ऐसे कुछ कि सरल लोलक के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं कुछ ऐसे कुछ था कुछ क्वेश्चन।
देखिए इसमें अब क्वेश्चंस देखिए, ऑसिलेशन के लिए ये कहा जाता है कि फ्री स्पेस में कोई पिंड सेल्फ दोलन नहीं करती है। जैसे फ्री स्पेस में होगा तो अपने ही पोजीशन पर चलेगी, ये इसकी पोजीशन चलती रहेगी, बस ये होगा। कहा जाता है कि वापस आएगा तो कितने समय बाद, अनंत काल बाद, फ्री स्पेस में, क्योंकि फ्री स्पेस में रिस्टोरिंग फोर्स इफेक्टिव नहीं होता है जो आप कह रहे हैं। तो मुक्त अवस्था में कोई वस्तु स्वतः दोलन नहीं करती है क्योंकि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कार्य नहीं करता है। लेकिन उसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो जो इफेक्टिव नहीं है तो अनंत काल बता दिया जाता है। यदि हम सरल लोलक को फ्री स्पेस में दोलन कराएं तो उसका टाइम पीरियड तो आप कह दीजिए अनंत होगा, बात खत्म। माना गया ना कि इन्वर्स जो है ऐसे साइक्लिक है, तो ये जा रहा जा रहा जा रहा अनंत काल के बाद घूमते हुए आएगा, बस हो गया एक ऑसिलेशन। जी सर, जी सर। तो आज आपको जो टॉपिक लेना है इसमें दोलन गति लेना है, तो बल्कि चलिए हम सरल लोलक का ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ सैंपल पेंडुलम। देखिए सरल लोलक का दोलन गति, सरल लोलक की दोलन गति, तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, क्या होगा? तो एक फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। जैसे सरल लोलक का जो कॉमन कंसेप्ट है वो क्या है, वो जानकारी रहना चाहिए, कॉमन कंसेप्ट क्या है। तो पहला क्या है ध्यान दीजिए, तो इसमें ये बताया गया है कि जो लेंथ है, लंबाई है, वो स्टैंडर्ड 1 मीटर है। तो लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ सैंपल पेंडुलम, तो सरल लोलक के धागे की लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर। आप जो बाब या पेंडुलम लिए हैं, जिसको गोलक कहा जाता है, उसकी त्रिज्या, जैसे ही हम इसको बड़ा बना दें तो इसकी त्रिज्या आर है। तो आर को हम क्या कहेंगे, यहाँ तो जगह नहीं दिखेगा आपको, आर यहाँ साइड में कहीं बता रहे। तो आर जो है, जो गोलक है या लोलक जिसको आप कहते हैं लोलक, तो जो पेंडुलम है उसकी रेडियस है, त्रिज्या, रेडियस ऑफ पेंडुलम, लोलक की त्रिज्या है। अब कैपिटल एल क्या है ध्यान रखिएगा, एल प्लस आर, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई पढ़ते हैं। मतलब कहाँ से लंबाई लेंगे, देखिए इसके गुरुत्व केंद्र से या द्रव्यमान केंद्र से, ऐसे ये R है, ऊपर L है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई, वो कैपिटल L है। धागे की लंबाई प्लस धागे से गोलक के द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ये होता है प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। तो हम लोग ये मानकर पढ़ते हैं लगभग क्या, कि R जो है लेस देन है, छोटा है किससे, L से, धागे की लंबाई से छोटा है, ऐसे मानकर पढ़ते हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं कि गोलक की त्रिज्या लंबाई से कम है। इसलिए क्या है कि कैपिटल L को लगभग L मानकर पढ़ते हैं, ये मान लिया जाता है, ऐसे मान लिया जाता है। अब ये पॉइंट और सुन लीजिएगा, जो आप रोप लिए हैं वो भारहीन, मतलब उसके भार को काउंट नहीं किया जाता है।
धागे का द्रव्यमान जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, भारहीन मान के चलते हैं। अतः जो वेट या भार का प्रभाव है सिर्फ गोलक का होगा, या जो आप रोलक लिए हैं पेंडुलम उसका होगा, पेंडुलम का होगा। तो चलिए अब इसको पॉइंट लिखना हो लिख लीजिएगा, रो पीस मासलेस। तो जो धागा है भारहीन होता है, रो पीस मासलेस धागा भारहीन होता है। अब इसको अगर विस्थापित करके छोड़ दें, मान लीजिए कि ये गोलक है ऐसे है और इसको विस्थापित करके छोड़ दें, यहां से विस्थापित करें, ऐसे विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तो अब देखिए विस्थापन जो ले रहे हैं कोण यहाँ से, जहां से इसको आप घुमा सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ से, और विस्थापन ए से आप बी तक मान लीजिए ये वायर, तो भार तो आप नीचे ही दिखाएंगे ऐसे, लेकिन जो भार बल इस डोरी में जो तनाव बल है टी से कितने एंगल पर है, तो ध्यान रखिएगा ये दो समांतर रेखाएं हमने लिया है, एक ये है एक ये, और एक तिर्यक रेखा लिए हैं, तो एकांतर कोण बराबर होगा और ये सम्मुख कोण बराबर होगा। अब भार को वियोजित कर दीजिए क्षैतिज और लंबवत घटक में, तो इधर कंपोनेंट कॉस में आता है एम जी कॉस थीटा, और ये आता है एम जी साइन थीटा। तो अब आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया क्या, कि अगर हम बी पॉइंट पर लाकर छोड़ दें गोलक को ऐसे, देखिए इसको छोड़ दें तो ये स्वतः नीचे आ रहा है अपने स्थान को आ रहा है, तो इसका मतलब छोड़ने पर कौन सा बल प्रभावी हो रहा है, तो एम जी साइन थीटा, क्योंकि तनाव बल एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, इधर से आप पकड़ रखे हैं, ये कोई आप इस पर बाह्य बल लगा रखे हैं, बाह्य बल है ये, और जैसे ही बाह्य बल हटाएंगे, जैसे ये देखिए हम पकड़ रखे हैं ये बाह्य बल है, ये वापस आएगा। तो इस तरह से दोलन करते हुए लोलक पर एक परिणामी बल कार्य करता है, ये आईआईटी में भी आया था और बाकी पार्ट पूछ सकता है। देखिए ऐसे प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा ये लोलक की पोजीशन है जो अभी हम बना रखे हैं, यहाँ पर ये गोलक है ऐसे, एक तनाव बल दिखाए हैं P और एक दिखाए हैं इधर देखिए कौन सा है Mg साइन थीटा। तो इनकी जो परिणामी बल होगी इन दोनों की, जो भी रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल होगा वो इधर होगा अंदर की तरफ होगा, ध्यान रखिएगा ऐसे, अर्थात इन दो बलों की एक परिणामी होगी जो अंदर की तरफ काम करेगी ऐसे, ये रिजल्टेंट फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बिल्कुल बाइसेक्टर लाइन पर हो जाएगा, जैसे कि टी और एम जी साइन थीटा इक्वल है तो वो ऐसे हो सकता है, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये बाइसेक्टर लाइन पर होगा, इनमें से इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो थोड़ा और नीचे हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के मध्य ही कहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। तो ऐसे दिखाया था कि एक पेंडुलम इस तरह से है, इस पर परिणामी बल होगा, ऐसे कहा था परिणामी बल होगा, फिर कहा था परिणामी बल होगा, फिर कहा था परिणामी बल होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह से अगर एरो है तो ये परिणामी बल है, क्योंकि परिणामी बल इधर उधर नहीं जाएगा, या तो ऐसे आएगा या अंदर आएगा, तो ये परिणामी बल हो जाएगा। उम्मीद है कि जो हम कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया होगा, कि यदि कोई पेंडुलम दोलन कराया जाए तो उस पर कौन सा बल है जो दोलन कराता है, तो आप बताएंगे एम जी साइन थीटा, इसी को हम लोग प्रत्यानन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो लिख लीजिए एक टॉपिक आपको मिल गया, पहला प्रश्न कि
दोलन करते समय लोलक पर प्रत्यानन बल या रिस्टोरिंग फोर्स। लिखे सरल लोलक पर दोलन करते समय प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग आर एस 60 में लिखे हैं प्रत्यानयन बल। इसकी दिशा देखिए विस्थापन के विपरीत है, ध्यान रखिएगा विस्थापन ए से बी है, ऐसे देखिए लोलक का विस्थापन ए से बी की ओर है, ऐसे गया है, जबकि प्रत्यानयन बल की दिशा बी से है, बी से इधर आ रहा है, इसलिए ये माइनस होगा एम जी साइन थीटा। तो सरल लोलक पर गति के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कार्य करता है या विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आपको जो प्रश्न हमने दे दिया, एक तो थ्योरी मिला कि प्रत्यानयन बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, अतः वो ऋणात्मक होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, सरल लोलक के दोलन गति के लिए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। सरल लोलक के दोलन गति के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन ऑफ सैंपल पेंडुलम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन ऑफ सैंपल पेंडुलम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, ये कहा जाता है कि सरल लोलक का दोलन काल जो है थीटा लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री के लिए मेजर किया जाए, कंडीशन दे रहे हैं थीटा लेस देन बाय इक्वल टू 5 डिग्री, तो क्या होगा, देन साइन थीटा को हम लोग थीटा के बराबर मानते हैं क्योंकि रिजल्ट थीटा के ही बराबर आने लगता है, जो काम कोण बराबर 4/3 त्रिज्या से होगा थीटा का रिजल्ट होगा वही साइन थीटा का आता है। थीटा का रिजल्ट का मतलब समझ लीजिए, जैसे 5 डिग्री को सॉल्व करना हो जिसके किसी क्वांटिटी में, तो डिग्री को हटाकर रेडियन में 5/180 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पाई और पाइप और पाई का मान 3.14/180 ये रिजल्ट है, जो आएगा वही साइन 5 डिग्री का भी आएगा, ये रिजल्ट है ऐसे। तो इस तरह से अगर साइन का मान 5 डिग्री से कम रखा जाए, अरे थीटा का मान, तो साइन थीटा थीटा के बराबर, तो एफ का मान क्या आ जाएगा, तो एम जी थीटा ये, और न्यूटन का नियम है एफ इक्वल टू एम ए एम जी थीटा, न्यूटन का नियम है, एम तो कैंसिल हो जाएगा। अब त्वरण आप पढ़े हैं, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर जी थीटा, और वेग भी आप पढ़े हैं, जो वेग होता है आप चाहे इसको dx लिखिएगा चाहे dy, dx by dt अगर x पर होगा तो dx by dt माइनस g इंटू थीटा, ऐसे थीटा या डी थीटा के लिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर वो एंगुलर है, ध्यान रखिएगा एंगुलर है तो डी
थीटा की पोजीशन रखेंगे, लीनियर है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको हटा देंगे। जैसे यहाँ देखे कोण है, ये चाप है और ये त्रिज्या बन जाएगा। यहाँ से हम विस्थापित करके देख रहे हैं, ऐसे देखिएगा ऐसे। अगर कोण बहुत कम है तो ध्यान रखिएगा ऐसे, तो ये कोण बराबर ये चाप होगा और ये त्रिज्या होगी, ऐसे होगा। थीटा बराबर x बाई एल होगा, ऐसे होगा। अर्थात जो ये लंब है, ये x है, वो इसी के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो काफी बड़ा है कोण, इसलिए ऐसा नहीं है। जितना छोटा लेंगे तो ये और लंब बराबर आ जाएगा। तो हम थीटा को हटा देंगे, कहेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे। तो यहाँ पर हटा दे रहे हैं थीटा का मान x बाई एल, ऐसे रख दीजिए। अगर y लिखना होगा तो y बाई एल, तो यहाँ भी y लिखना होगा। तो ये इसको आप लिखते हैं d2 x अपान d t स्क्वायर। इसको ट्रांसफर करिए, g बाई एल इंटू x इक्वल टू जीरो। जिसको ना समझ में आए यही याद कर ले, डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है। आप प्रश्न सुनिए, इसको याद कर लीजिए, आपका एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा काम है प्रयास समझाना। नहीं समझ में आता है डायरेक्ट याद करिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण न्यूनतम है तो हम समझा दिए हैं कि अगर कोण न्यूनतम है यहाँ पर तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या रखकर आप सॉल्व कर लें। तो जो अवकल समीकरण आया वो लिखिए जरा अलग से, क्योंकि आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया, प्रश्न लिखते जाइएगा। पहला प्रश्न था प्रत्यानंद बल, प्रत्यानयन बल पहला था, तो आंसर आया था माइनस एम जी साइन थीटा। दूसरा हो गया अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। तो जो आया है दिख रहे हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। फ्री ऑसिलेशन का मुक्त दोलन के लिए अवकल समीकरण कहते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फ्री ऑसिलेशन। ये हो जाएगा फ्री ऑसिलेशन, ऐसे आप रीड करते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएसएम, तो यहाँ पर याद रखिए ये जो मान है ये ओमेगा स्क्वायर का होता है, बट करके यहाँ लिख लीजिएगा ओमेगा स्क्वायर होता है जी बाई एन। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके डेरिवेशन की अभी जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिए। तो आपको दो प्रश्न मिला, तो अब तीसरा कि इसमें कोणीय वेग कितना होगा, इसका आवर्त काल क्या होगा, जो दोलन काल क्या होगा। तो देखिए ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, क्योंकि कोण भी स्थापित हुआ था तो कोणीय वेग भी होगा। तो देखिए दोलन गति में कोणीय वेग ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी कोणी वेग, तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट देख लीजिए जी बाई एल, ऐसे आएगा। जी क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, एल क्या है तो सरल लोलक के धागे की लंबाई, लेंथ ऑफ सैंपल प्रॉब्लम जी आप जानते ही हैं, जी बल्कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टैंडर्ड है, 10 देगा तो 10 ले लीजिएगा।
लेंथ हाफ सैंपल बैंड में। तो अब आपने ओमेगा ज्ञात कर लिया, ये तीसरा पॉइंट है कोणीय वेग प्रत्यानयन बल अवकल समीकरण कोणीय वेग, चौथा देखिए दोलन काल। तो ओमेगा होता है 2πn, n आवृत्ति है, चाहे n लिखिएगा चाहे f लिखिएगा, आपकी इच्छा जो लिखते हो वही लिखिएगा, या n या f। तो कोणीय आवृत्ति निकाल लीजिए तो उसका ओमेगा बाई 2π, ओमेगा का मान रख दीजिए 1/2π अंडर रूट g बाई n। ये चौथा पॉइंट मिल गया कि अगर कोई सरल उलक दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी क्या होगी, दोलन की आवृत्ति। दोलन की आवृत्ति अब दोलन का परिक्रमण काल लिख लीजिए, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो t=1/n, n का मान रख दीजिए तो 2π√L/g, ये माना गया t=1/n या 2π√L/g। l धागे की लंबाई है, प्रभावी लंबाई कहेगा तो l प्लस स्मॉल r। ठीक क्या है, दोलन का काल है, दोलन काल दोलन का समय है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम, इस तरह से चार अलग अलग पॉइंट मिले हैं न्यूमेरिकल के लिए। ओमेगा का मात्रक क्या लिखेंगे, ओमेगा का मात्रक रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर, आवृत्ति का क्या लिखेंगे यहाँ पर तो प्रति सेकेंड लिखेंगे, और आवर्त काल का यहाँ पर सेकेंड। ये बल है तो न्यूटन में, न्यूटन में, और ये तो इक्वेशन है डिफरेंशियल। तो इतने पॉइंट आपने लिखा है इसमें, अब न्यूमेरिकल का प्रोसेस क्या है चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए सरल लोलक पर ज्यादातर परसेंटेज ही रहता है, प्रॉब्लम तो डायरेक्ट नहीं देता है ज्यादा, और नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल आता है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला मुक्त दोलन के लिए अवकल समीकरण लिख दे रहे हैं, मुक्त दोलन के लिए अवकल समीकरण। मुक्त दोलन के लिए अवकल समीकरण तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फ्री ऑसिलेशन, फॉर फ्री ऑसिलेशन तो ये लिखा है d2x भी हो सकता है y भी हो सकता है, इसकी कोई समस्या नहीं, प्लस 4x=0, ये प्रश्न में दिया है। तो इस दोलन का कोणीय वेग तथा आवर्त काल होगा, इस दोलन का कोणीय वेग तथा आवर्त काल होगा। तो चलिए आप जानते हैं आपका जो समीकरण है उसे तुलना कर लीजिए। तो आपका समीकरण ये पहले से है, आप लिखे हैं जानते भी हैं, दोनों का तुलना करिए तो ओमेगा स्क्वायर 4 के बराबर है तो ओमेगा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे, जो आप पढ़े हैं और जो दिया है उनसे तुलना कर लीजिएगा और ओमेगा का मान जो आएगा लिख लीजिए। अब प्रश्न में ऐसे दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे d2y / dt² +
मेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, वो भी वही है, ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, समीकरण एक ही है, ये दिखाया जा रहा वाई और ये एक्स को दिखाया जा रहा। और क्या दे सकता है, ऐसे देखिए डी टू फाइव अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी वही है, ये एंगल के सापेक्ष दे रहा है। जैसे कि कोई सुई है, दोलन गति कर रही है, सुई एक बार इधर जा रही है, देखिए अपने स्थान से एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर आ रही है, ऐसे तो ये भी दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाइकेशन तैयार रखना चाहिए कि वो चाहे कोण पर दे, वाई पर दे, एक्स पर दे या जेड पर दे, इक्वेशंस को याद रखिए कि जैसे पढ़े हैं वैसे तुलना कर लीजिए। मेगा हो गया, अब आपसे शायद आवृत्ति पूछा गया था, तो मेगा बाई टू पाई, फोर अपान नहीं ओमेगा टू है, टू अपान टू पाई या वन बाई फाइव हर्ट्स, ये आवृत्ति आ जाएगा। तो हमने आपको एक प्रॉब्लम बताया न्यूमेरिकल वाला और दो तीन थ्योरी लिखा, प्रत्यानंद बल लिख दिया, थोड़े वे अवकल समीकरण, नोट कर लिए हैं, नहीं तो मिटाने के बाद नहीं कि मिटा दिए हैं, वैसे तो रिकॉर्ड है तो आप दोबारा देख भी लीजिएगा, थोड़ा तो आप समझौता कर लिए कि अगर मिट भी गया तो दोबारा जब पढ़िएगा तो लिखा है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, और आप को सूचना दे दें जो वेबसाइट का है तो वो अपलोड हो गया, हमारा वेबसाइट बन गया है, बस ऐप का वेरिफिकेशन गूगल पर कर रहा है कि 7 दिन के अंतर्गत होगा, तो 7 दिन के अंदर मतलब वो 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। तो अब जो है हम आपको अपने वेबसाइट के उसे जोड़ देंगे सभी लोगों का, तो वो पूरा सारे वीडियो जो इसमें से हटाए जा रहे हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। जो नए लोग जुड़े हैं एक दो लोग वो ध्यान दें, इसके वीडियो को हम अपने वेबसाइट पर जीआरएस के वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें से सारे वीडियो हटाए हैं, है वो टीचमेंट का ही पार्ट है, टीच मोर, टीचमेंट का ही जो है क्लास ऐप टीच मोर है, और टीच मोर पर ऐप में क्लास, हाँ क्लास लेंगे और उसमें सारे वीडियो आपको लेकिन सभी क्लास देंगे इसमें, बात तो ये है, चूंकि वो लोग भी कहें कि नहीं जब बनाए हैं तो हम उसको भी जोड़ लीजिए। अच्छा। तो फिर केमिस्ट्री वाले सर, हाँ तो इस ऐप से केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाएंगे, वो अभी जैसे ट्रीटमेंट से वो भी पढ़ा रहे हैं, ट्रीटमेंट से हम भी पढ़ा रहे हैं, तो अब जो ऐप आएगा जीआरएस एकेडमी पर उसमें लाइव क्लासेस केमिस्ट्री सर भी लेंगे, उसमें सब एक टाइम वाइज डेट दे दिया जाएगा, चैप्टर दे दिया जाएगा, उसके प्रोसेस के लिए ही समय लग रहा था, अब आपको प्रोसेस ये रहेगा कि जैसे कि लाइट, तो जैसे जाएंगे अपने क्लास में तो रहेगा कि लाइट चल रहा है, लाइट में क्या तो वेब ऑफिस चल रहा है, वेब ऑफिस में कौन चैप्टर तो चैप्टर है, वो तो समय है, और किसका क्लास है तो ये फिजिक्स का है, आप किसका केमिस्ट्री का है, ऐसे टाइम ड्यूरेशन, तो उसका पूरा जो है एक शेड्यूल है और उसमें सब लोड होगा। जैसे अभी आपको हम टेस्ट सीरीज लोड करके नहीं देते हैं, क्योंकि जिसमें इसमें हम टेस्ट वगैरह से पीछे इसलिए रहते हैं कि ये सब टेस्ट जो है लोडेड हैं, लोड हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो अब उसमें क्या है कि टोटल हमारे पास टेस्ट सीरीज है, टेस्ट को अब हम 25 कर चुके हैं, 25 टेस्ट हैं, और एक एक जो टेस्ट पेपर्स हैं जो सीरीज हैं, वैसे क्वेश्चन मॉडल कह लीजिए, असाइनमेंट कह लीजिए, तो उसमें लगभग 8-10 पन्ने हैं, और एक पन्ने पर अब 10,000 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो एक सीट में आपको 50-100 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 150 भी होगा, किसी में थोड़ा कम भी होगा, ये सब हम लोड कर देंगे, आपको दिखेगा, आप स्कैन नहीं कर सकते हैं, लोड नहीं कर सकते हैं, बस पढ़ सकते हैं, ये सुविधा रहेगी। अभी हम इसमें कुछ लोड नहीं करते हैं क्योंकि सब डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर सब कोई पढ़ने नहीं आएगा,
खर्चा कितना हो रहा है सर? 33,000 तो दे चुके हैं अभी, थोड़ा और लगेगा। 33,000 रुपया लगा है और अभी वो गूगल का जो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, गूगल का मॉडम या क्या खरीदना बाकी है, जिससे कि ऐप भी दिखने लगे। वाह सर, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वालों के लिए होगा ना? ऑफलाइन को जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कि ऑफलाइन को तभी जोड़ते हैं जब उनका फुल पेड होता है। ऑनलाइन वाले तो पैसा दे रहे हैं तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो बाद में आए हैं, कोर्स होता है तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन में जुड़ जाओ, पूरा कर लो, लेकिन उन्हीं को, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ कि दो चार बच्चे आए, कहेंगे सर हम को जोड़ दीजिए, बाकी पैसा ले। जैसे जुड़ गया तो बाद में क्या है कि सर कुछ घर में काम है, हम जा रहे हैं, अभी इलाहाबाद में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम हो गया, वीडियो भी सब मिल गया था, तो ऐसा भी होता है, दिक्कत हो जाती है। फिर तो ऑफलाइन तभी जोड़ते हैं जब फुल पेड होता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या है, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, दूसरा हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है, परसेंटेज ईरर, प्रतिशत त्रुटि पूछता है, परसेंटेज ईरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज ईरर, प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें एक आता है जैसे फॉर्मूला आपने देखा क्या आया था, ये आया था अभी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या कहता है, प्रश्न है, ग्राफ से है, सब बता देंगे। तो जैसे आप देखिए अगर जी कांस्टेंट रहे 2 पाई, तो टी प्रोपोर्शनल टू, देख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ये है ना। सरल लोलक का दोलन काल सरल लोलक के लंबाई के वर्गमूल के अनुमान पाती है, जैसा कि सूत्र में फॉर्मूले में देखिए आया हुआ है, अर्थात लंबाई को बढ़ाइए तो दोलन बढ़ेगा, लंबाई को घटाइए तो दोलन घटेगा। तो हम मान लेते हैं कि दोलन काल टी टू हो गया है, पहले टी वन था, टी टू के लिए लंबाई एल टू है, पहले एल वन था, ये आएगा ऐसे। अगर लंबाई बढ़ाए हैं तो बढ़ेगा, घटाएं तो घटेगा। अगर हम प्रश्न में लिखें कि लंबाई बढ़ाया गया है, यदि सरल लोलक के धागे की लंबाई बढ़ा दी जाए, सरल लोलक के धागे की लंबाई बढ़ा दिया जाए, लंबाई बढ़ाने पर तो देखिए क्या बनेगा, जो टी टू है वो ऐसे लिखा जाएगा, पहले लंबाई एल वन था, जो बढ़ाए हैं डेल्टा एल, अर्थात एल टू जो है प्रारंभिक लंबाई प्लस बढ़ा हुआ लंबाई, ऐसे होगा, और पहले लंबाई एल वन था। अब समय को भी ऐसे लिख लेंगे, पहले का समय प्लस बढ़ा हुआ समय, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ जो रूट है इसको हटा कर इसको भाग दे दीजिए वन, और रूट को हटा कर 1/2, ये हो गया, इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो 1 प्लस डेल्टा t/t1, और ये बन गया 1 प्लस डेल्टा l/l1/2, ये इसी को प्रतिशत में लिया जाता है। तो आपको प्रूफ डेरिवेशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा, डेल्टा टी बाई टी वन जो है क्या होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा l/l1^(1/2-1) होगा, ये फार्मूला बन गया, इसी को याद करना है, ये याद करना है, ये त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा दोनों तरफ लगाना होता है, प्रतिशत त्रुटि। देखिए नीचे प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि के लिए देखिए क्या करना होगा, डेल्टा टी बाई टी वन, तो इसमें
100% ऐसे लिखना होगा, ये कहा जाता है परसेंटेज इधर। तो दूसरी तरफ भी लिखिए, इसमें भी 100 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया 63 रुपये। तो लंबाई बढ़ाएगा तो उसको बताएगा कितना किए हैं, ये पावर है 1/2, यहाँ पर ये माइनस वन थोड़ा दूर लिख दें, -1 ऐसे। तो प्रश्न सामने है, आंसर नीचे लिखा है, आप इसको शॉर्ट में बताएंगे तुरंत सॉल्व करने के लिए, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप जटिल क्वेश्चंस को ऐसे करते नहीं है, ये तो हम आपको क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, जैसे आप क्लास में सीखते हैं कुछ। आप प्रश्न सुन लीजिए, उसका आंसर दे दीजिएगा। जैसे लंबाई 2% बढ़ा दी जाए, ये परसेंटेज लेंथ में कितना बढ़ाना है, 2% इंक्रीज कर दी जाए। प्रश्न है लंबाई 2% बढ़ा दी जाए, सरल रोलक के धागे की लंबाई 2% बढ़ा दी जाए, तो सरल रोलक के दोलन काल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सरल लोलक के दोलन काल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप कुछ मत सॉल्व करिएगा, यहाँ जो दिए हैं उसी को डायरेक्ट आप आंसर बताइएगा। तो जब परसेंटेज इधर कम देंगे, जैसे 2% का मतलब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2/100, ये मान 1 से काफी कम है। तो आप रिजल्ट सुन लीजिए परसेंटेज इधर का, जो एग्जाम के लिए है आपके, 1+1/2 डेल्टा एल बाई एल -1 100%। हम क्या किए हैं ध्यान दीजिए, अगर ये चेंजेस बहुत कम है, जैसे 2%, 3%, 1%, 4%, 5%, तो पावर का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 का हमने इसमें गुणा कर दिया। देखिए आप एक गुणा किया, ब्रैकेट खत्म कर दिया, तो 1+1/2 -1, तो 1 से 1 कट जाएगा ये। तो परसेंटेज इधर सीधे याद रखिए, सब भूल जाइए, क्या है 1/2 डेल्टा एल बाई एल 100%। ये क्या है प्रश्न सुन लीजिए, जैसे कि अगर लंबाई में 2% की वृद्धि किया जाए तो दोलन काल के मापन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो चूंकि ये प्रोपोर्शनल है, वृद्धि है तो बढ़ेगा, तो 2 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप 1/2 यहाँ कर देंगे 2%, तो आंसर आ जाएगा 1%। 3% की कमी कर दिया जाए तो आवर्त काल में क्या प्रभाव होगा, 3% की कमी की जाए तो लंबाई में 3% की कमी किया जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव होगा। डेढ़ प्रतिशत कम हो जाएगा, तो उसमें 1.5% कम हो जाएगा। लोग क्लास ऐसे ही चाहते हैं, इसमें हम थोड़ा थक जाते हैं, इस तरह से जैसे लगता है कि कक्षा 8 या 9 का क्लास, या जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं जिनको बैठ कर पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से खत्म होती है। जी जी, असल वो जो नए आ रहे थे आए हैं लोग, आप कोचिंग जाने से मालूम होगा ना, हम तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में वो कहे थे आएंगे हमसे मिलने के लिए 7 बजे कहे थे, हमने कहा कोचिंग में एडमिशन ले लो, कह रहे थे कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, 30,000 है, और शहर में रहेंगे खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा, और अगर गांव से करते हैं तो ऑनलाइन में सस्ते में हो जाएगा, तो हम कहें कि विचार कर लो, तो आज कहे हैं आने के लिए। तो 2-3 घटनाएं होंगी, या तो आएंगे नहीं, या तो कोचिंग में पढ़ेंगे कुछ फीस कम करके, और या तो ऑनलाइन लेंगे, 3 में से कोई एक होगा। तो ठीक है ऐसे कि स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि आप लोग जितने लोग हैं
यहाँ से अभी तक तो जो थोड़ा मेरी स्पीड रहती है ज्यादा ही रहती है, ऐसे चलने दे कोई दिक्कत? स्पीड बढ़ाए? नहीं नहीं सर, ठीक है, समझ में ठीक है जी। अच्छा इसीलिए आज पता चला, इसीलिए बच्चे हमारे कभी कभी शिकायत करते थे क्योंकि इतना स्लो तो लिखते नहीं थे, जो है फटाफट लिखिए मिटाइए, फटाफट लिखिए मिटाइए। तो चलिए ठीक है, करना क्या है, धीरे धीरे हैबिट है, चेंज किया जा सकता है। तो अब इसमें समस्या कब आएगी, देखिए जब वो कहता है कि 20% चेंज कर दें, 22% चेंज कर दें, 40%, तो आप पूरा सॉल्व करिएगा। कब डायरेक्ट करिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सब डायरेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर वो चेंजेस 20%, 22%, 44%, तो ये कम नहीं है ना। देखिए सीधे सीधे आप 50 के आसपास पहुंचने जा रहे हैं, तो एक उसको भी बता दें जो चेंजेस ज़्यादा हो। जैसे देखिए उदाहरण तब फिर सॉल्व करिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि सरल उलक के धागे की लंबाई जो है 22% या इसमें 44% बढ़ा दिया जाए, लिख दे रहे हैं ऐसे, देखिए 44% इंक्रीज कर दिया जाए। तो उसके दोलन काल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो 44 को आप सीधे हाफ करेंगे तो 22 आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो 22 नहीं आएगा। देखिए तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% बराबर, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ तो 1+ अब हम रख रहे हैं, डेल्टा एल बाई एल था आपके पास लिखा है, हम तो मिटा दिए हैं, तो 44/100 हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी आपके पास लिखा है 1/2। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 1+ डेल्टा एल बाई एल लिखा होगा और 1/2, यहाँ लिखा होगा -1, तो लिखा होगा 100%। तो हम मान रख रहे हैं डेल्टा एल बाई एल का मान दिया है कितना, 44%, तो ये रख रहे हैं, तो ये रख दिया। अब इधर था -1 और इंटू 100 यहाँ पर है, ये वाला यहाँ से इसका मान दिया है और बाकी 100 ये यहाँ पर अलग है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना होगा, अब हम सीधे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो ये 100 है 44, तो 144/100 हो गया। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए इंटू 100%, तो 144 है तो 12 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, तो 12/10 -1 है इंटू 100%। अब खुद ही सॉल्व कर लीजिए, तो 2/10 इसको हम परसेंटेज इधर पढ़ते हैं, इधर पी ई लिख दे रहे हैं, परसेंटेज इधर पी ई लिख दे रहे हैं, तो कितना आ गया, 20% आ गया। क्यों, 12 में से 10 घटा दीजिए, 2/10 × 100। उम्मीद है कि इस 19 साल में किसी को दिक्कत नहीं होगा, ऊपर लिख दे रहे, नीचे हो सकता ना दिखे। तो यहाँ पर जो है 12 − 10/12 × 100, तो 2/10 था क्या, 10 था, 10/100, 1 0 काट दीजिए, 20%। देखिए आधा करते हैं तो 22 आता है और सॉल्व किए हैं तो 20। तो इस तरह से बड़े वाले पार्ट को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट हुआ रहा है। समझ में आ गया जी गुरु जी? रोज किया जाए क्योंकि कोचिंग भी जाना है, थोड़ा समय अब धीरे धीरे हो रहा है, 6:30 बजे के बाद ही क्लास है। तो ऐसे ही हम आपको टॉपिक वाइज ले चलेंगे, जैसे आज हमारा स्टार्टिंग था कि सरल लोलक का दोलन गति, तो उसमें अवकल समीकरण बता दिए, प्रत्यानयन बल बता दिए, कोणीय वेग बता दिया, और आवृत्ति हुआ, दोलन काल हुआ, और दोलन काल के मापन में प्रतिशत त्रुटि हुआ। तो कल का चर्चा होगा इसी पर अभी,
कि सरल लोलक के बजाय सेकंड लोलक किसको कहते हैं जिसका दोलन काल दो सेकंड होता है और भौतिक दोलन था। और इस पर जो है जो थ्योरी है का दो, देखिए द्रव्यमान बदलने से कोई प्रभाव नहीं होगा, कल क्वेश्चन लिखवाएंगे। जैसे कि सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान बदल लिया जाए, जैसे गोलक का द्रव्यमान यम है, अगली बार फोर यम का ले लिया जाए, तो दोलन काल पर क्या प्रभाव होगा? कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। हाँ, रियल में पड़ता है तो फ्रिक्शन है, आप यहाँ काल्पनिक पढ़ रहे हैं, आप फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें कम समझ में आती है। कोई भारी चीज लटका के दोलन कराएंगे तो जल्दी रुक जाएगा, यहाँ कहा जा रहा साइंस में कि नहीं उतना ही दोलन करेगा, क्यों? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई घर्षण नहीं है, इसलिए कुछ चीजें हैं कि थ्रेटकली आप तुलना करिए थ्रेटकल और जो सिद्धांत से, तो प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये बताएंगे। और भी इसमें कुछ टॉपिक है, इसकी लंबाई अगर अनंत ले लें या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ले लें तो क्या होगा? फिर और भी बताएंगे कि जो एंगल कम किए थे वो ज्यादा ले लें तो क्या होगा, क्योंकि हम जो सॉल्व किए थे थीटा लेस देन इक्वल टू 5 के लिए किए थे, ग्रेटर देन है तो तब इक्वेशंस क्या हो, ये टाइम पीरियड क्या होगा। तो चूंकि मेन चैप्टरों का समय तो देना पड़ेगा, जैसे काइनेटिक थ्योरी है, SSM है, ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाते हैं। तो आज कम लोग जोड़ पाए थे क्या, क्यों गोपाल? नहीं सर, 12 लोग हैं सर। अच्छा, तो रिकॉर्ड बना हुआ, 13 लोग देखते हैं, ये तो हम ही होंगे। जी जी, हमारे ही लोग हैं। हाँ, मनिंदर है 13। हाँ हाँ, नहीं तो 12-13 है तो इसमें ठीक है, लाइफ का थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ये टाइम सर चेंज करना बेनिफिशियल रहा। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी सर।